समझ में आ गया बुलियन सब अलजेब्रा? यस सर। अब हम इस बुलियन अलजेब्रा का जो ये है दिया हुआ, इसके कितने सब अलजेब्रा होते हैं वो देखते हैं। अब कितने सब अलजेब्रा हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना कि इसके कितने सब अलजेब्रा पॉसिबल हैं। तो अगर बेटा 8 एलिमेंट हैं, ठीक है, लेट से एक्स वन भी नहीं लेते हैं, हम पहले कहते हैं 0, ठीक है, फिर X1, X2, X3, ठीक है, 0 मतलब लीस्ट एलिमेंट, X4, X5, X6 और आपका 1 मैक्सिमम एलिमेंट, यही होंगे ना बेटा, एक मिनिमल एक मैक्सिमल और 6 एलिमेंट जो आपने बनाए हैं। इन केस जो आपके मेन बुलियन अलजेब्रा में अगर 8 एलिमेंट है, जैसे ये रहे, ऐसे ही है ना, देखो एक मिनिमल एलिमेंट, एक मैक्सिमल एलिमेंट और 6 एलिमेंट और है, ऐसे ही है ना, मेन सेट आपका ऐसे ही है। यस सर। तो इसका जब आपने सब अलजेब्रा बनाने हैं, तो अब सब अलजेब्रा में आपके पता कितने एलिमेंट आएंगे, हमेशा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो सब अलजेब्रा अगर अपने बनाने हैं, बहुत से सब अलजेब्रा पॉसिबल हैं, अब उनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले बनाने हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि जिसमें एक एलिमेंट ही हो, 3 एलिमेंट हो या 5 एलिमेंट हो, वो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सब अलजेब्रा पॉसिबल होंगे, ठीक है, मतलब 2 के 4 के पॉसिबल हैं, और इनमें भी बेटा 2 की पावर वाले ही पॉसिबल हैं, 2 की पावर में जो होंगे, ठीक है, 2 होंगे 4 होंगे और 8। अब इन केस ऑफ 8 एलिमेंट्स आर देयर, तो 2 एलिमेंट वाला सब अलजेब्रा पॉसिबल है, 4 एलिमेंट वाला सब अलजेब्रा पॉसिबल है और 8 एलिमेंट वाला सब अलजेब्रा पॉसिबल है। तो 2 एलिमेंट वाला सब अलजेब्रा जो होगा उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, एक मैक्सिमल एलिमेंट और एक मिनिमल एलिमेंट, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट मतलब 0, ग्रेटेस्ट मतलब 1। इन आर केस कौन सा होगा, 1 और 1001, एक ये बुलियन सब अलजेब्रा पॉसिबल होगा। इन केस 4 एलिमेंट वाला होगा तो उसमें 0 होगा 1 होगा और 2 एलिमेंट आप और ले सकते हो। अब वो कौन से होंगे, विल जस्ट सी, तो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और 8 एलिमेंट वाला बनाना है अगर आपने, तो ऑब्वियसली 8 एलिमेंट में सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे आपके, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा, X1 X2 सो ऑन X6 तक और 1, जो हमारे केस में क्या है, जो हमारे केस में क्या है, 1 है, 7 है, 11 है, 13 है, मतलब सेम एलिमेंट ही आ जाएंगे बेसिकली, 91, 143 और 1001। तो 8 वाला भी एक ही पॉसिबल है, 2 वाले अगर हम देखें तो 2 वाले भी एक ही पॉसिबल है, लेकिन 4 वाले काफी पॉसिबल है, ठीक है, 4 वाले काफी पॉसिबल है, तो वो देखें 4 वाले, 4 वाले देखें, ठीक। यस सर। अब देखो इतना तो क्लियर है कि 1 आना ही आना है, 1001 आना ही आना है, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1001, 1001 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। अब कोई ऐसे एलिमेंट हमने पिक करना है, एक्स एलिमेंट, जैसे कि लेट सपोज मैं पिक करता हूं 7, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट तो होना ही चाहिए ना, तभी ये क्लोज रहेगा, और 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1001/7, 143 आएगा, है ना, तो 143 ही यहां पर होना चाहिए, एक ये सेट निकल के आएगा बेटा। दूसरा निकल के आएगा, अगर मैं
11 ले लेता हूँ, ठीक है, 11 अगर ले लेता हूँ तो 11 का भी जो कॉम्प्लीमेंट होगा, 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1001 डिवाइड बाय 11, क्या निकल के आएगा, 91, है ना, तो 91 आएगा। तो एक सब अलजेब्रा आपका चार एलिमेंट वाला ये होगा, एक सब अलजेब्रा ये होगा, और एक और होगा S3, जिसमें 13 होगा ऑब्वियसली, और यहाँ 77 होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस अब बूलियन अलजेब्रा में इस पार्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक बार उसको समराइज कर देते हैं। पहला तो बूलियन अलजेब्रा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका हैश डायग्राम बनाने को आ सकता है, उसमें कौन कौन से एटम है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसका सम का टेबल, उसका एंड टेबल बनाने को क्या कहा जा सकता है, ठीक है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना यूजिंग सम ऑफ एटम्स, बताया था ना सम ऑफ एटम्स। अच्छा फटाफट बेटा, सम सारे एलिमेंट को सम ऑफ एटम्स में रिप्रेजेंट करो, 1 को, 7 को, 11 को, 13 को, और कौन सा है, 77, 91 है, 143 है, 1001 है, इसको सम ऑफ एटम में रिप्रेजेंट करो। 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ एटम्स, वन कैसे रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ एटम्स में, 1 तो बेटा 1 ही है, 1 ऐसे ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। सेवन इलेवन और सेवन ऐसी है सेवन और जी। 13 तो एटम्स ही हैं, वो भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होंगे। 77 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 77 ये देखो कैसे बना है, 77 7 और 11 मिल रहे हैं ना उसके साथ, तब जाके 77 आ रहा है ना। तो 7 + 1 11 होगा, 77, 91 होगा, 7 + 13 या 13 + 7 भी लिख सकते हो आप, ये 11 + 13 होगा, ये 7 + 11 + 13 होगा, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब अलजेब्रा कितने कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके 8 एलिमेंट आते हैं बूलियन अलजेब्रा में, तो 2 वाला पॉसिबल है, 4 वाला पॉसिबल है, और 8 वाला, 2 वाला एक ही होगा, इसमें मैक्सिमल एलिमेंट आएगा, मिनिमल एलिमेंट आएगा और मैक्सिमल एलिमेंट आएगा जो भी होगा। 8 वाला भी एक ही पॉसिबल है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 4 वाले जो होते हैं वो काफी वेरिएशन में आ सकते हैं, इसमें आपका लीस्ट एलिमेंट आ जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, और फिर आपने एक एटम लेना है यहाँ पर, ठीक है, एटम लेना है, और साथ में आपका एटम का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऐसे आपके 3 बनेंगे इन केस ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस जरूर करना, दिस इज इट फ्रॉम द बूलियन अलजेब्रास पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एक टॉपिक प्राइम इम्प्लीकेंट्स रह गया है, वो अब करना है हमने, तो करें प्राइम इम्प्लीकेंट्स, काफी हद तक कर लिया था, बस एक छोटा सा टॉपिक, यस सर। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। आई होप वी हैव सम टाइम, 8 or 9 मिनट्स टाइम, तो कर लें अभी, यस दिस विल बी आर फाइनल क्लास। सर जी, एक्सरसाइज सर, प्रॉपर्टी वाले, डिटरमिनेंट वाले हाँ, सर, उसमें से बता दो कौन कौन सा करना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने आप प्रैक्टिस कर सको बेटा, जितने आप प्रैक्टिस कर सको। सर ऐसे नहीं कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह। इम्पोर्टेंट अगर आप देखना चाहते हो तो उनमें से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, जितने आपको प्रीवियस ईयर नजर आ ओके रहे सर। हो एग्जाम्पल्स में या एक्सरसाइज में, जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, BCA 2013, 15, 17 या BSCIT 2013, 14, 15
लिखा हुआ है, तो यू कैन से दे आर रेलेवेंटली मोर इम्पोर्टेंट, रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट. लेट्स ओके सर, लेट्स मूव अहेड विद द प्राइम इम्प्लिकेंट्स देन. ओके, आपको प्राइम इम्प्लिकेंट्स में अब सिंपल से क्वेश्चन तो ये होते हैं, आपको एक एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है, एक्स बुलियन एक्सप्रेशन दिया होता है, और एक आपको पूछा गया होता है एक और एक्सप्रेशन, सब एक्सप्रेशन दे के कि ये प्राइम इम्प्लिकेंट है इस एक्सप्रेशन का कि नहीं है, राइट right? ऐसे ही होता है ना. ऐसे ही होता है ना फाइंड आउट करने का कि ये प्राइम इम्प्लिकेंट है कि नहीं है. यस, अगर वो इसमें आप दो दो प्रॉपर्टीज आप करते होते थे, लेट से आप आपका एक एक्सप्रेशन है ई और एक है प्राइम इम्प्लिकेंट पी, तो आप इन दोनों को सम करते थे. यस, और सम करने पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है, ये अगर ई के बराबर नहीं आता है, सॉरी ई के बराबर आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी आपकी थी, ये दोनों सम करने पे आपको ई के बराबर में आना चाहिए, ऑब्वियसली इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है पी को भी और ई को भी, फिर उनका सम करना है, और अगर ये ई के बराबर आ जाता है तो पहली प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाइड. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि फिर आपने इस पी एक्सप्रेशन में से सब इसके सब पार्ट बनाने हैं, जितने भी हो सके, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नॉर्मली दो होते हैं, तो आपने दो सब पार्ट बनाने हैं, ठीक है, और आपने प्रूफ करना है जैसे पी वन एक सब पार्ट है, एक पी टू सब पार्ट है, एक पी थ्री सब पार्ट है, तो आपने प्रूफ करना है कि कोई भी पी आई, पी वन भी हो सकता है, पी टू भी हो सकता है, पी थ्री, उसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सम किया जाता है एक्सप्रेशन के साथ तो वो ई के बराबर नहीं आता. सारे पी आई के लिए प्रूफ करना है आपने, नहीं आता. ये आपका आपका मेथड है टू फाइंड आउट कि पी जो है वो प्राइम इम्प्लिकेंट है या नहीं है, है ना, यही होता है. यस सर. और एक हमने किया था कंसेंसस, सॉरी कंसेंसस कह रहा हूँ, के मैप किया था, रिमेम्बर के मैप. के मैप याद है सभी को, कार्नो मैप के भूल गए हो? एक बार बता दो. के मैप बता दूं अभी बेटा, वो ये वाले मैप्स, रिमेम्बर ये वाले ग्रे कोड वाले, बिल्कुल बिल्कुल वही वाले, कुछ ऐसे होते थे, 2 की पावर में उसके सेल्स होते थे, 8 हो सकते थे, 16 हो सकते थे, यहाँ पर 2 वेरिएबल होते थे, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, कॉम्प्लीमेंट के बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट. भूल गए ये? थोड़ा सा ऑब्वियसली इसको माइंड में रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रिफ्रेश कर लेना इसको एक बार. आगे बढ़ते हैं इससे ही, अगर आपने फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करो, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में, लेट्स से ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे को कि इसके प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड आउट करो, सेट इसके प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड आउट करो, अगर मेरे को बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन के प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड आउट करो, तो आई हैव ओनली वन वे टू डू दिस, वो वे क्या है, के मैप बनाना उसका, ठीक है, देयर इज ओनली वन वे टू डू दिस, अगर प्राइम इम्प्लिकेंट फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक है,
आपने प्रूफ नहीं करना है ये कि कोई एक पी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इसका प्राइम इंप्लीकेंट है कि नहीं है। वो अगर आपने प्रूफ करना है, आप पिछला मेथड यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी मेथड, जिसमें आपने पी प्लस ई करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो ई के बराबर आएगा, और कोई भी पी आई प्लस ई उसका सब पार्ट जो होगा वो ई के बराबर नहीं होगा। ये दो प्रॉपर्टीज आपने सॉल्व करनी है, और आप येस और नो में आंसर दे सकते हो कि ये प्राइम इंप्लीकेंट है कि नहीं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि प्राइम इंप्लीकेंट अब आपने फाइंड आउट करने हैं, तो हमारा जो सिलेबस का स्कोप है उसमें एक ही वे है जिसमें हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्राइम इंप्लीकेंट है कि नहीं। फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्राइम इंप्लीकेंट्स कौन कौन से हैं, वो है के मैप। के मैप में बड़ा सिंपल तरीके से आप देखना, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको एक बताता हूँ। के मैप में बेसिकली आपके तीन तरीके के, थ्री टाइप्स, तीन तरीके के इम्प्लीकेंट्स आते हैं, इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। एक होते हैं बेटा प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दूसरे होते हैं नॉन प्राइम, ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स और नॉन प्राइम। और प्राइम फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब प्राइम इम्प्लीकेंट की बात आती है तो हमें यहाँ पर ही रुक जाना है, हमें फर्दर नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको फॉर फर्दर डिटेल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इनको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्राइम और नॉन प्राइम बता देता हूँ, जो कि बहुत बड़ा ही सिंपल है। लेट से इनके ग्रुपिंग बनाओ बेटा, इसकी ग्रुपिंग बनाओ, ग्रुपिंग बनाओ। सर फोर का जाएंगे तो फोर का बनेगा घर ये में फोर, और फिर ए बनेगा ये फोर का बनाओगे, है ना। सो और ऊपर भी फिर फोर का बनेगा ऊपर वाला सिक्स का बनाएगा नहीं, सिक्स का नहीं बन सकता बेटा, टू की पावर में ही सिक्स बनेगा, दो का, चार का और आठ का, फिर 16 का, ठीक है। तो आप अब जो ये आपके ग्रुपिंग बनाई है आपने, जो ग्रुप बन रहे हैं वो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं, जो ग्रुप बन गए, ठीक है। और कुछ ग्रुप और भी बना सकते थे बेटा आप ये भी ग्रुप बना सकते थे, वैसे तो ये भी बन सकता था ना ग्रुप, तो ये भी बन यस सकता था सर ना, लेकिन क्यों नहीं बनाया, नॉन प्राइम सो क्यों नहीं मैक्सिमम वन का बनाया, बच क्योंकि इससे ये ना एक बड़े वाले ग्रुप के अंदर आता है, पूरा का पूरा ना एक बड़े वाले ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो इसको अलग से ग्रुप बनाने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए इसको नॉन प्राइम, ऐसे ऐसे ग्रुप को हम नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं जो किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हो, पूरा का पूरा किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हो। जैसे ये दो वाला है, ये इस चार का हिस्सा है ना, ये भी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये वाला भी नॉन प्राइम है, ये वाला भी नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम वैसे पूछे नहीं गए होते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो एक बड़े, एक पूरा का पूरा एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, इट इज अ ग्रुप दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होल, बिगर होल ग्रुप, ठीक है। इट इज अ ग्रुप दैट इज होली अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप, बड़े ग्रुप का हिस्सा है। बात समझ में आ गई, नॉन प्राइम और प्राइम। यस सर और अब बेटा करेक्ट अब अगर यस अब दूसरी चीज, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस बार मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, सो ऑब्वियसली आई होप यू गॉट एन आइडिया ओवर हियर। आपने बेटा एक ये ग्रुप बनाया और फिर एक ये ग्रुप बनाया, है ना, ऐसे ही किया ना, ऐसे ही किया ना। यस सर और ये वाला ग्रुप भी है बेटा एक, जो बन सकता था, यस
जो बन सकता था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये प्राइम है कि नॉन प्राइम है, सिंपल क्वेश्चन ना। ये प्राइम है ऑब्वियसली, ये प्राइम है ऑब्वियसली, ये जो होगा ये वाला ये नॉन प्राइम होगा, है ना। व्हाट अबाउट दिस? यस, व्हाट अबाउट दिस? ये प्राइम होगा, नॉन प्राइम होगा, ये भी प्राइम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसी एक ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है, है ना। आधा एक ग्रुप का है और आधा एक ग्रुप का है, बात समझ में आई। तो ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट ही है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है? ये नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। मतलब इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, नीड हो जिसकी, इसकी नीड नहीं है ना, इसलिए ये नॉन इसेंशियल में आता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और जिनकी जरूरत है, जो कि ये रहा आपका ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, जिनकी जरूरत है, जिनके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अच्छे से, वो है हमारे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो बात समझ में आई बेटा? तीनों कैटेगरीज क्लियर है सभी को? तीनों कैटेगरी क्लियर है सभी को? Yes. कोई डाउट तो नहीं किसी को? पूछ सकते बेटा अगर किसी को डाउट है, इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क, बोलो। हेलो, यस सर, कोई डाउट? प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से होते हैं? बेसिकली जो आप ग्रुप बनाते हो, जरूरी ग्रुप बनाते हो, जो ग्रुपिंग करते हो आप, और वो इम्प्लीकेंट, वो ग्रुप जो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, पूरे के पूरे, पूरा का पूरा किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। जो ग्रुप पूरा का पूरा किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा है, जैसे कि ये दो वाला ग्रुप है, ये पूरा का पूरा चार वाले ग्रुप का हिस्सा है, इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट में भी फर्दर दो कैटेगरी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो जो हमें सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरी है, वो होते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। नॉन इसेंशियल में वो आते हैं दैट कंटेन्स, दैट इज अ ग्रुप बेसिकली, दैट कंटेन्स सम ऑफ वन या ऑल ऑफ वंस दैट आर कवर्ड इन सम ग्रुप्स ऑलरेडी, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके किसी ना किसी ग्रुप में कवर हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला, ये आपका बिगेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये पूरे का पूरा किसी एक ग्रुप में कवर तो नहीं हो रहा है, होल का होल, इसलिए प्राइम इम्प्लीकेंट है, लेकिन इसके जो वंस है वो किसी दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। ओके, तो अब बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन, एक जैसे कि ये पूछा गया है, अब मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा देता हूँ आपको, इसमें बस आप इसेंशियल इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना है एंड देट विल बी ऑल, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट और फिर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना एंड दैट विल बी ऑल। बेसिकली अगर मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, फाइंड ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपने कैसे करना है इसको? के मैप से ही करना है सॉल्व, ठीक है, के मैप से सॉल्व करना है। लेकिन के मैप से सॉल्व करने से पहले क्या बनाना पड़ता है? के मैप में सॉल्व करने से पहले क्या बनाना पड़ता है? कैनोनिकल फॉर्म। ऑब्वियसली आपका टच नहीं रहा होगा,
कैनोनिकल फॉर्म आपको याद होगी ये वाली बेटा, समेशन, यहाँ पर नंबर होते हैं आपके, ये बनानी पड़ती है। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें सारे के सारे आपके वेरिएबल हों, ए बी सी डी, आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर के मैप में। समझ में आया? ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम, yes, काफी काफी पहले। तो मैं सीधा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले दो वाले जो हमारे लिटरल्स हैं, पहले दो जो हमारी टर्म्स हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, एक बार डी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, एक बार डी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, ये प्लस है, एक बार डी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, डी लगाया। अब वो बी बी डी कॉम्प्लीमेंट है, एक बार मैंने ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यूज किया, एक बार मैंने ए कॉम्प्लीमेंट ही यूज किया, सी एज इट इज यूज किया, दूसरी बार मैंने ए एज इट इज यूज किया, सी का कॉम्प्लीमेंट किया, और लास्ट टाइम मैंने ए बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये भी अभी तक ऑलरेडी नहीं आई है तो दोबारा लिख देता हूँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली भी दोबारा नहीं आई है तो दोबारा लिख देते हैं ए बी सी, ये वाली भी नहीं आई आई थिंक, है ना, आई थिंक सारी नहीं आई, सारी ही नहीं आई है, सारी नहीं आई है। ठीक है, तो एक बार इसको प्राइम इम्प्लीकेंट निकालने के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ है ये आपकी बेसिकली हो जाएगी वन वन जीरो वन, ये हो जाएगी जीरो वन वन वन, ये हो जाएगी वन जीरो वन जीरो। रिमेम्बर जो कॉम्प्लीमेंट वाली होती है वो जीरो में लिखते हैं, जो ट्रू में होती है वो वन वन जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 जीरो वन वन जीरो। ये आई थिंक दो बार रिपीट हो गई, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये भी कॉम्प्लीमेंट थी ना, जीरो में आएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आया, ये क्या है, 13। सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर है ये 4, ये हो गया 6, ये भी हो गया 7, ये भी हो गया, ये 10 है, हो गया ये 11 है, 12 है, ये 13 है, और ये 14 है। तो ये देखो, अब इसका बनाना है के मैप, के मैप मैं यहीं पे बना रहा हूँ। मेन नंबरिंग कैसे की ये बताना प्लीज बेटा, वो मेरे को बताया नहीं था, ट्रूथ टेबल बनाना होता है जो 01 01 01, फिर आप 00 01 लेते हो, फिर आप 4 0 4 1 लेते हो, पहला जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, वो नंबरिंग वहां से ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्किप हो गया होगा आपके माइंड से, अचानक शुरू किया है ना हमने, दोबारा एक बार पढ़ोगे तो दोबारा याद आ जाएगा आपको। तो के मैप बनाए, फिल करें, यस तो ये भी याद होगा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है, 4 5 याद है ना, 6 है, ये 7 है, फिर ये 8 9 ये 10 और ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 और ये 15। तो हमें क्या चाहिए, 4 6 7 10 11
12, 13 और 14, तो बेसिकली ये लगा है हमारा, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ग्रुप बनाओ। पहले सबसे पहले कौन सा ग्रुप बनेगा देखो ध्यान से, डार्क कर देता हूं मैं, जल्दी बताओ। ग्रुप बनाओ, आठ का ग्रुप बन रहा है अभी? नहीं बन रहा है ना। आठ का, चार का, यस सर, चार का बन रहा चार का बन रहा है। ये देखो ये रहा चार का ग्रुप, दो इधरों तो दो इधरों। बिल्कुल। और अब चार का कोई और ग्रुप बन रहा है? एनी अदर ग्रुप? फोर का नहीं बन रहा है? दो के बन रहे हैं? दो के, दो यस दो के, ये सर, देखो। तो और ये तो दोनों कवर मोबाइल करना है, पहले दो का बना दिया हमने, फिर एक ये दो का बना देते हैं और फिर ये दो का बना देते हैं, राइट। अब इसमें पहले नंबरिंग लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, और ये ए बी कॉम्प्लीमेंट। सेम गोज हियर। तो ये ग्रुप से क्या निकल के आया, क्या कैंसल आउट होता है? ए कॉम्प्लीमेंट और ए कैंसल आउट हो गए ना, बी बचा। यस सर, रिमेंबर कैंसल आउट ही करना होता है हमने, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी डी। तो क्या डी बचा? डी कॉम्प्लीमेंट बचा। सेम बेटा इस ग्रुप से भी कुछ बचेगा, है ना? तो ये जितने भी आपके ये आ रहे हैं ना, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहां से आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, डी कॉम्प्लीमेंट और डी कैंसल आउट हो जाएंगे। इस ग्रुप से आपका निकल के आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी डी कॉम्प्लीमेंट और डी कैंसल आउट हो जाएंगे। और जो ये ग्रुप आपका होगा, इससे निकल के आएगा ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डी कैंसल आउट हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये सारे के सारे प्राइम इम्प्लीकेंट है ये, ठीक है। तो आपसे बोला गया है अगर कोई एक्सप्रेशन का सारे प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, के मैप बनाना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जितने भी ग्रुप से हमारा आते हैं वैल्यूज, वो सारे क्या हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट से आते हैं। इसेंशियल भी लिखनी है और नॉन इसेंशियल भी लिखनी है। नॉन इसेंशियल का भी ध्यान रखना, यहाँ पर कोई नॉन इसेंशियल है नहीं वैसे, लेकिन आएगा तो वो भी लिखना है आपने, ठीक है। यस सर, आई होप यू गॉट इट, दैट सम्स अप योर इंटायर सिलेबस फॉर द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपकी अब कोई रेगुलर क्लास नहीं होगी, इन केस यू वांट अ डाउट सेशन, और इमीडिएटली नहीं रखते हैं, बीच में आप जब भी डाउट सेशन फील करो आप मेरे को एक दिन पहले नोटिफाई कर देना, ठीक है। 2 दिन लो आप सारे आप क्वेश्चंस करने के लिए, और जिस दिन आपको जरूरत होगी एक दिन 2 दिन 3 दिन डाउट सेशन था आप रख सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर इससे पहले वाली स्लाइड शो करना एक बार। ये वाली ये ठीक है, डन।
समझ में आया ना प्राइम इंप्लिकेंट्स कैसे फाइंड आउट करनी है? यस सर. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी अच्छे से करना. बूलियन अलजेब्रा आई नो इट्स अ बिट ट्रिकी पार्ट, बट कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आई वांट टू से दैट के सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ, बूलियन अलजेब्रा फाइंड आउट करना बहुत आसान है. फैक्टराइजेशन करनी है बस आपने. स्क्वायर फ्री होगी तो अलजेब्रा फॉर्म हो जाएगा. हेज डायग्राम वही बनाने होते हैं आपने, राइट. सब अलजेब्रा भी निकालने की टेक्निक आपको बता दी है. सेम तरीके से ही मतलब निकलेगा सारा. सम पूछा गया हो सकता है, एटम्स पूछे गए हो सकते हैं, वही क्वेश्चन बार बार घूम के अलग अलग तरीके से आ जाते हैं. बिट डिफिकल्ट बट स्मॉल, काफी छोटा है सेक्शन बूलियन अलजेब्रा का. हाँ, जो इजी सेक्शन है के मैप, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं आपकी, थोड़ा सा वो लार्ज पार्ट है लेकिन उतना ही आसान है वो. तो आई होप आप जो चारों की चारों यूनिट्स हैं वो अच्छे से कर सको. कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिट में आप मेरे को बोल सकते हो. टेक 2-3 डेज प्रैक्टिस करो, ना सिर्फ अलजेब्रा, मैट्रिसेस को भी करो, सिंबॉलिक लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक को भी करो, प्रोपोजिशनल लॉजिक को भी करो, सेट और रिलेशन को भी करो. कोई डाउट आता है इन एनी केस, इन एनी यूनिट, इन एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो. ठीक है.